गाइस पोकेमोन की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एश केचम के पूरे चाइल्डहुड के बारे में। आखिर वो बचपन में कैसा था, उसके क्या कोई फ्रेंड्स भी थे, और वो आखिर क्यों बचपन से ही एक पोकेमोन ट्रेनर बनना चाहता था। आज की वीडियो में तुम्हें एश के बारे में सब कुछ जानने को मिलेगा जो शायद तुम्हें इससे पहले कभी नहीं पता था। और गाइस मैं आज तुम्हें यही सब पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। शायद यहाँ पर यार ऐसे बहुत सारे पोकेमोन फैंस होंगे जिन्हें इसके बारे में कभी भी इतना जानने को नहीं मिला होगा। और मैं यहाँ पर खुद से कुछ भी नहीं बताने वाला, ये सब ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है जो मैंने बहुत सी वेबसाइटों से ली है। और गाइस इस वीडियो की मदद से तुम्हें बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो हाँ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर जो भी चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो यार सब्सक्राइब कर लो, एकदम फ्री है, जिससे तुम्हें हर पोकेमोन की वीडियोस मिलती रहेंगी। तो यार अब ज्यादा बात नहीं करते हैं और करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो एश केचम यार बचपन से ही बहुत ही ज्यादा नॉटी बच्चा था। उसे बाहर खेलना और शैतानियां करना बहुत ज्यादा पसंद था। डेलिया मतलब उसकी मॉम उसे ऐसा करने से मना करती थी, पर उन्होंने कभी भी ज्यादा फोर्स नहीं किया कि ज्यादा पढ़ो या पढ़ाई पर ध्यान दो। एश जब यार 3 साल का ही था तभी उसने बहुत सारी शैतानियां कर दी थी, और इसलिए उसे शांत करने के लिए डेलिया कई बार रोने का नाटक भी करती थी। पर साथ ही में एश एक बहुत ही स्वीट चाइल्ड था, लेकिन एक समय बाद डेलिया ने सच में रोना बंद कर दिया, क्योंकि वो सोचती थी वो एक अकेली यंग मदर है, इसलिए अगर वो ऐसे ही रोती रहेंगी तो इससे काम नहीं बनने वाला। और जब ऐसा हुआ था तो अचानक से एश ने भी मुसीबतें खड़ी करना बंद कर दिया और शैतानी रोक दी। उसने अपनी मम्मी से पूछा कि मॉम आखिर क्या हुआ है, क्या आप ठीक हो। इससे उसकी मॉम को यार काफी अच्छा लगा था। एश ने डेलिया को बहुत ही नया और अच्छा फील करवाया, और वो एश से हमेशा ये कहना चाहती थी कि थैंक यू बेबी। अब अगर हम एश की स्कूल लाइफ की बात करें तो एश ने अपनी पूरी पढ़ाई पैलेट टाउन में ही की है, पर जबकि गैरी ने अपनी पूरी पढ़ाई एलिमेंट्री स्कूल से की है, वो भी दूसरे शहर में। उसने पैलेट टाउन में पढ़ाई नहीं करी। अब क्योंकि यार वो ओक की फैमिली से था तो वो नहीं चाहता था कि वो किसी छोटे मोटे स्कूल में पढ़े पैलेट टाउन के, इसलिए उसने अपनी पढ़ाई दूसरे शहर में की थी। इसलिए उसे हर रोज 2 घंटे की जर्नी करके अपने स्कूल में जाना पड़ता था। एश और गैरी कभी एक साथ खड़े भी नहीं हो सकते थे, पर साथ ही यार एश ने कभी भी गैरी को अपना एटीट्यूड या घमंड नहीं दिखाया, क्योंकि एक तरह से यार वो सिंपैथिक था। पर गैरी एक घमंडी जर्क है जो दूसरों को अपने से नीचे समझता है और हमेशा उन्हें नीचे देखता है, क्योंकि वो यार ओक की फैमिली का एक मेंबर है। उसके खानदान की वजह से शायद उसके अंदर इतना ज्यादा एटीट्यूड है। दूसरी तरफ यार एश के ना ही फादर थे ना ही ग्रैंडफादर, तो शायद हो सकते हैं इसलिए गैरी उसे हमेशा से लूजर मानता था। और गाइस शायद तुम्हें एक बात नहीं पता होगी, जब एश अपने स्कूल में था तब वो बुली का भी शिकार हो चुका है। हाँ जिसे भी नहीं पता हो बुली क्या होता है, मतलब उसे स्कूल में दूसरों ने परेशान किया था। पर थैंक गॉड यार एश की मॉम डेलिया ने बुली की प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व कर दी थी। उन्होंने सभी परेशान करने वाले बच्चों के पेरेंट्स से बात की, और अच्छी फैमिली होने की वजह से एश को उसके बाद कभी भी किसी ने परेशान नहीं किया, वरना सब पहले उसे बहुत ही ज्यादा परेशान करते थे और उसके साथ में प्रैंक्स करते थे। एश हमेशा से ही अकेला खेलता था, और बल्कि वो तो यार और ज्यादा खतरनाक चीजें करता था, जैसे पेड़ों में चढ़ना, पहाड़ों से नीचे उतरना। और गाइस इसलिए एश इतना ज्यादा एक्टिव है। साथ ही में उसे फिशिंग और इंसेक्ट्स पकड़ना बहुत ज्यादा पसंद है। पर इन सब के बाद भी यार उसके कोई भी दोस्त नहीं थे, इसलिए वो अकेला रहता था, और उसे अकेला रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एश अपने चाइल्डहुड में काफी ज्यादा अकेला और सैड फील करता था, पर उसने ये बात कभी भी किसी को नहीं बताई, हमेशा उसने ये बात सबसे छुपाई है। और गाइस पोकेमोन की जो ओरिजिनल जैपनीज ओपनिंग है उसमें भी यार इन सब के बारे में बताया गया है। अगर तुम उन सब के लिरिक्स देखो तो उसमें साफ साफ ये सब चीजें बताई हैं। हमेशा किसी भी एनिमे के जैपनीज थीम सॉन्ग में कैरेक्टर की फीलिंग्स के ऊपर लिरिक्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए टोक्यो गूल की ओपनिंग अनरैवल। मैं इसके ऊपर यार एक पूरी की पूरी वीडियो बनाकर तुम सभी को बताऊंगा, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। लेकिन अब हम बात करते हैं एश केचम के फादर के बारे में, क्या उसने अपने बचपन में अपने फादर को देखा था। अब बात करें एश के फादर की, तो यार एश अपने फादर को नहीं जानता, उसने कभी भी सामने से अपने फादर को नहीं देखा, उसने बस कुछ फोटोज देखी हैं। और डेलिया ने उसके फादर के बारे में उसे कुछ स्टोरीज भी सुनाई थी, जिन्हें सुनकर एश के मन में यार हमेशा से ये बात आई है कि डैड कहाँ है, आखिर वो क्या कर रहे हैं। ऑब्वियसली यार डेलिया सबके जवाब नहीं दे पाई, और उसने बस उसे इतना ही बताया कि उसके डैड एक बहुत ही कमाल के ट्रेनर हैं। पर जब एश 5 साल का था तब उसकी मॉम ने हिम्मत करके एक दिन उसे ये बता दिया कि जो भी उसने उसे सब कुछ बताया था वो सब कुछ झूठ था। उन्होंने बहुत से झूठ बोले थे, क्योंकि एश के फादर के बारे में किसी को भी नहीं पता, उनके बारे में किसी ने भी नहीं सुना, किसी को भी नहीं पता क्या वो सच में एक अच्छे ट्रेनर है भी या नहीं।
और गाइस उसी दिन ऐश को एक नया कंप्यूटर मिला था, इसलिए ऐश ने अपने फादर के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया, क्या उसके फादर एक सक्सेसफुल ट्रेनर बने भी या नहीं। पर यार अनफॉर्चुनेटली उसे कोई भी जानकारी नहीं मिली थी। फिर भी यार ऐश को कभी भी उसके फादर के ना होने का उतना बुरा नहीं लगा, क्योंकि यार वो एक अच्छा बच्चा था और इसलिए उसकी मॉम डेलिया को भी कभी ज्यादा परेशानी नहीं हुई। और पोकेमोन के जो क्रिएटर्स वगैरह हैं उन्होंने ये एक्सप्लेन भी किया था कि अगर ऐश अपने डैड को जानता तो आज उसका कैरेक्टर ना कुछ अलग ही होता। डेलिया भी यार एक पोकेमोन ट्रेनर बनना चाहती थी और ऐश उन्हें देखता रहता था जब वो कहती थी कि ऐश और उसके ग्रैंडपा पोकेमोन मास्टर बनने के लिए अपनी जर्नीज में गए हैं और मैं इतनी मतलबी कैसे हो सकती हूँ। और गाइस यही सब बातें ऐश सुनता रहता था और फिर इसलिए ऐश ने पोकेमोन ट्रेनर बनने का इतना ज्यादा मजबूत फैसला किया। ऐश और प्रोफेसर ओक की बात करें तो ऐश बचपन में प्रोफेसर ओक को उतने अच्छी तरीके से नहीं जानता था, उसने बस उन्हें थोड़ी बार देखा था, कुछ ही बार। कभी कभी ओक उनके घर में खाने के लिए आते थे तभी उसने उन्हें देखा था, पर उसे कभी बात करने का उतना ज्यादा चांस नहीं मिला। पर गाइस जैसे जैसे समय बीता ऐश को उनके बारे में और जानने को मिला और वो लोग यार काफी अच्छी तरीके से मिल चुके थे, क्योंकि यार प्रोफेसर ओक जो थे और ऐश की मॉम जो है वो कई बार यार एक दूसरे के घर जाया करते थे और वो लोग काफी अच्छे फ्रेंड थे और वो लोग बहुत सारा टाइम एक साथ बिताते थे और बहुत बार यार वो लोग सिनेमा भी एक साथ में गए हैं। और बचपन में एक बार प्रोफेसर ओक ने एक कैंप ऑर्गेनाइज किया था, कोई पोकेमोन समर कैंप, उसमें यार ऐश मिला था सरीना से। हाँ वही सरीना जो ऐश को दोबारा कालोज रीजन में मिली थी, यहीं से वो पहली बार सरीना से मिला था उसी कैंप की वजह से। वहीं यार सरीना बहुत छोटी थी इसलिए वो जंगल में भटक चुकी थी और वहीं पर वो जमीन में गिर गई थी जिससे उसके पैर में भी चोट आई थी और ऐश ने तब वहां आकर उसकी मदद की थी, उसने बहुत प्यार से यार उसकी हेल्प की, इसलिए शायद सरीना बचपन से ही उसे पसंद करने लगी थी। पर यार अनफॉर्चुनेटली कैंप खत्म हो गया था जिसके बाद में वो उसे दोबारा नहीं देख पाई, वो लोग बाद में कालोज रीजन में ही मिले थे। तो गाइस मैं तुम्हें यार कुछ ऐश के बारे में कुछ सीक्रेट बातें बता देता हूँ जो शायद तुम्हें नहीं पता हो। ऐश यार जब बचपन में छोटा था ना तब वो अपनी मॉम की मदद करता था गार्डनिंग में, इसलिए यार उसने बचपन में स्टडीज नहीं कर पाई, उसे टाइम ही नहीं मिला था। और यार एक और सीक्रेट बात जो शायद किसी को भी नहीं पता है, ऐश ने अपनी जर्नी में निकलने से पहले 10 दिन पहले से ही यार अपने मतलब पोज की प्रैक्टिस की थी, जिसमें वो जब भी कोई बैटल जीतेगा तो कौन सा पोज देगा उसने पहले से इसकी तैयारियां करी थी और उसने पहले से ही डिसाइड किया था कि वो अपने पोकेमोन बल्बसॉर, चार्मेंडर और स्क्वाटल इनमें से इन्हें क्या निकनेम्स देने वाला है। इन तीनों निकनेम्स को उसने पहले ही सोच के रखा था। बल्बसॉर के लिए उसने चूज किया था डानिसोके, चार्मेंडर के लिए कागेतराव और स्क्वाटल के लिए ज़ेनबाओ। ये जैपनीज नेम्स हैं यार, तो शायद मेरे से थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई होगी, पर हाँ उनकी स्पेलिंग्स यही है। तो आई होप गाइस तुम सभी को ऐश के बारे में कुछ नया जानने को मिला होगा। ये सारी बातें यार ऐश कचम के बचपन की थी, बहुत सारे सीक्रेट्स थे जो सिर्फ मैगजीन्स में बताए गए थे। एनीवेज यार ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे तुम सभी को बतानी है, पोकेमोन के बारे में ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। एनीवेज गाइस इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और जो भी चैनल को पहली बार देख रहा है तो जाके सब्सक्राइब कर लो यार और भी ऐसी पोकेमोन की वीडियोस के लिए, और मुझे जाके इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना क्योंकि वहां पर चैनल के बहुत सारे अपडेट्स आते हैं। और गाइस हमारे एकदम न्यू गेमिंग चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है जहां पर हम GTA, माइनक्राफ्ट, फ्री फायर ऐसे बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, तो जाओ यार हम वहां पर बहुत मजे करेंगे। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।